नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इज रिसर्च में। आज के शुरू में पे बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड के ऊपर। पेटीएम पोस्टपेड यूजर हैं या यूज कर चुके हैं, क्लोज करा दिए हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो क्या है अपडेट, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, पेटीएम पोस्टपेड या पेटीएम पे लेटर, जो भी आपको कहना कह सकते हैं, या पे लेटर कोई भी है हमारे यहाँ पे। देखिए, पे लेटर हो या क्रेडिट कार्ड हो या चाहे लोन हो, ये होता है कि हम किसी कंपनी को देते हैं तो बस इसलिए देते हैं कि हम सिक्योर हैं और उस कंपनी को ट्रस्ट पे दे रहे हैं। लेकिन ऐसा अब हो नहीं रहा है। अब कंपनियों को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन कंपनियां उसका मिसयूज कर रही है। मिसयूज क्या कर रही है अभी आपको पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे पेटीएम पे लेटर यूज करते होंगे तो। बाकी सब में यहाँ पे ये देखा जाता है, हम यहाँ पे कोई भी पे लेटर या कुछ भी लोन वगैरह हो अगर यूज करते हैं तो कभी यहाँ पे क्लोज होता है, रिक्वेस्ट देते हैं क्लोज करने के लिए, या हमारा ये लोन वगैरह रहता है उसको पेड हो जाता है, तो यहाँ पे एक एनओसी लेटर दिया जाता है। एनओसी लेटर का यही मतलब होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें यहाँ पे आपका क्लियर ड्यू है, कोई भी यहाँ पे अमाउंट वगैरह ड्यू नहीं है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, तो आपको दे दिया जाता है अकाउंट क्लोज होने पे। अब यहाँ पे देखिए, पेटीएम पोस्टपेड में एक बहुत लोचा हो रहा है, आप चेक करना, अगर आपके साथ हुआ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए, पेटीएम पोस्टपेड यूजर्स जो हैं, जितने भी लोग हैं पहले यूज करते थे वो क्लोज करा रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि जो लोग के साथ यहाँ पे एनओसी मिल चुका है, अब वो अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन यहाँ पे दिखा रहा है। अकाउंट जो सिविल पे क्लोज दिखा रहा था वो ऑटोमेटिक अब एक्टिव दिखाने लगा है। ये बहुत लोचे वाला काम है यार। हम किसी को यहाँ पे, कंपनी को यहाँ पे देते हैं डॉक्यूमेंट्स, बस एक ट्रस्ट पे देते हैं जिससे हमारा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हो ना, मतलब कुछ भी अगर इन फ्यूचर अगर कुछ यहाँ पे लोन एक्टिव दिखा दे, ड्यू दिखा दे, तो हम क्या कर सकते हैं? वही करेंगे, रिक्वेस्ट देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट देने पे भी ये काम जल्दी नहीं होता है। आखिर कंपनियाँ ऐसा करती क्यों, हमारे सिविल के साथ खिलवाड़ क्यों करती है? तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो प्रोसेस बताते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस समय कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। देखिए, कमेंट्स एक आपको दिखा दूँ, पहले तो यहाँ पे दिखा दूँ, जो आर फाइनेंशियल है उन्होंने मुझे अपडेट दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ समय पहले अपने पेटीएम पोस्ट को क्लोज करा दिया था, एनओसी भी मिल गया था, सिविल से भी हट गया था, फिर भी यहाँ पे अब एक्टिव दिखाने लगा। ठीक है, अब देखिए और भी कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे बोला जाए, भाई मैंने पेटीएम पोस्टपेड एक साल पहले क्लोज कराए थे, पहले तो क्लिक फाइनेंस के साथ आता था, अब आदित्य बिरला ग्रुप के साथ यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें ही इशू ये दिख रहा है। जिसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मैंने पेटीएम पोस्टपेड एक साल पहले क्लोज करा दिया था, उस टाइम सिविल रिपोर्ट में क्लोज हो गया था, लेकिन अभी सिविल रिपोर्ट में फिर से आदित्य बिरला फाइनेंस का अकाउंट एक्टिवेट हो गया, क्या करूँ, प्लीज हेल्प मी। दूसरा यहाँ पे देखिए, और भी यहाँ पे कमेंट्स आए हैं जिसमें यहाँ पे बोला गया है, तो ये सब इशू आ रहा है, बहुत से लोगों के साथ इशू आ रहा है। आप भी चेक करिए, अगर आप यहाँ पे क्लोज करा चुके हैं तो एक बार अपने सिविल रिपोर्ट को चेक करिए, जो रिफ्रेश करके जो अभी अपडेट हुआ है उसमें चेक करिए, क्योंकि 5-6 दिन से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले आपको दो जन को कॉन्टेक्ट करना है, जिसमें आदित्य बिरला फाइनेंस को और दूसरा यहाँ पे पेटीएम का, यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड को, पेटीएम बैंक को, यहाँ पे पेटीएम केयर को कांटेक्ट करना है। ट्विटर पे करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, आपको यहाँ पे शेयर करने में, जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करने में आसान रहेगा। दोनों का यहाँ पे जो ऑफिशियल आईडी है, मैं लिंक में यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई यहाँ पे है, तो इन्होंने भी सेम, मैंने उनको बोला कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, पेटीएम से कॉन्टैक्ट किया। पेटीएम की तरफ से भी एक ही रिस्पॉन्स आया कि हम यहाँ पे देखते हैं आपका जो भी इशू, उस पर यहाँ पे जाँच करते हैं। सेम इशू यहाँ पे आदित्य बिरला को भी उन्होंने शेयर किया, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ एनओसी वगैरह शेयर किया, तो वहां से भी यही यहां पे रिस्पांस आया। बाकी मैं आपको यहां पे देखिए इन्होंने क्या किया, जो आर फाइनेंशियल है उन्होंने हमें यहां पे पूरा डिटेल दिया कि यहाँ पे देखिए रवि भाई हैं जो, उन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल दिया कि देख लीजिए हमारा यहाँ पे क्लोज था, एनओसी देख लीजिए आप, इनका एनओसी मैं दिखा दे रहा हूँ, पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट क्लोजर जो आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से, नो ड्यू सर्टिफिकेट है, यहाँ पे नाम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम एड्रेस वगैरह दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है, लोन अकाउंट नंबर दिख रहा है, 2000 का इनको पेटीएम पोस्टपेड का यहाँ पे मिला था। प्लस यहाँ पे देखिए अकाउंट यहाँ पे जो करे, यहाँ पे क्रिएट किए थे 26/8/2021 को, और अकाउंट क्लोज हुआ इनका 15/9/2021 को, मतलब यार एक साल पहले का यहाँ पे अब जाके एक्टिव शो हो रहा है। ठीक है, ये एक ही जन के साथ नहीं हो रहा भाई, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। फिर इन्होंने दोबारा से भी अप्लाई किया था, जो कि यहाँ पे देखिए अकाउंट यहाँ पे ओपन किए थे 2/12/2021 को, और अकाउंट इनका क्लोज हुआ था 5/2/2022 को, 5/2/2022 मतलब यहाँ पे फरवरी में
वो सब यहाँ पे दोनों का ही यहाँ पे दिख रहा है, दोनों मतलब अकाउंट का यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे फिर से दिखने लगा। तो देखिए ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सिविल पे इफेक्ट पड़ सकता है। आज को कंपनी ऐसा कर रही है, कल को कोई भी यहाँ पे लेट पेमेंट वगैरह शो कर दे, ऐसा हुआ भी है। लेट पेमेंट शो होने के बाद आपका सिविल डाउन होगा, सिविल डाउन होगा तो इशू बढ़ेगा, फिर हमें इंक्रेस करने में कितना टाइम जाता है। कंपनियाँ तो ये बोल देंगी कि हम ठीक करके दे देंगे, ठीक करने में चलिए ठीक हो जाएगा, मान लो एक महीना दो महीना, इनका यहाँ पे सिविल से हटाने में यहाँ पे 60 दिन जाता है। सिविल में जो रिपोर्ट करते हैं एक्टिव का, उसमें उसको हटाने मतलब क्लोज दिखाने में 60 दिन का टाइम लेते हैं। जब आपका लेट पेमेंट कर देंगे तो सोचिए कितना यहाँ पे समय लग जाएगा, 2-3 महीना तो ऐसे ही चले जाएगा, 2 महीना तो ऐसे ही जाएगा, 3 महीना इनका प्रोसेस में चले जाएगा, तो उसके बीच में क्या करेंगे आप। तो ये सब इश्यूज आते हैं यार, ये बहुत यहाँ पे गलत है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो तुरंत यहाँ पे कांटेक्ट करें, यहाँ पे अपना सिविल स्कोर चेक करें, तुरंत कांटेक्ट करें पेटीएम से और आदित्य बिरला ग्रुप जो यहाँ पे फाइनेंस है उनसे ट्विटर पे कांटेक्ट करें, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें, एनओसी होगा तो एनओसी आप यहाँ पे जरूर शेयर करें, या अगर एनओसी नहीं है तो उनसे कॉन्टेक्ट करें, बोले कि ये हमारा चाहे पेटीएम का ही नंबर हो जो आदित्य बिरला में यहाँ पे दे सकते हैं कि ये मेरा नंबर था, मैंने यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड यहाँ पे यूज़ किया था जो आपके साथ टाइप है, मैं इसमें यहाँ पे आदित्य बिरला को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे जो है उस पर मैसेज करने का बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइप है इसके साथ यहाँ पे लेटर टाइप था और इतने दिन पहले मैंने क्लोज कराया था लेकिन अभी मेरे सिविल पे ये एक्टिव दिखा रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर देना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर है तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जो एक्टिव है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इस जो आप सिविल चेक करते हैं, सिविल में एक यहाँ पे कंट्रोल आईडी रहता है, कंट्रोल नंबर ये सब यहाँ पे रहता है जो लास्ट में यहाँ पे दिख जाता है, कहीं भी आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा, तो ये चीज़ भी जरूर शेयर करें, उससे यहाँ पे उनको पता चलता रहता है कि करेंट का है कब का है सब यहाँ पे उससे पता, वो चीज़ जरूर शेयर करें उनको दोनों को, यहाँ पे पेटीएम को भी शेयर करें और आदित्य बिरला फाइनेंस को अगर कॉन्टैक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट तो जरूर करना दोनों से ही, ठीक है, तब आपका काम जल्द से जल्द होगा। रिप्लाई जब यहाँ पे बोलते हैं देते नहीं देते तो उनको मैसेज पे मैसेज करते रहिए जब तक क्लोज नहीं करते हैं, क्लोज करने का यहाँ पे रिक्वेस्ट लेते हैं लेकिन वो जाएगा करीब 60 दिन, यहाँ पे 45 से 60 दिन लेते हैं भाई, तो जरूर चेक करिए और चेक करके एक बार जरूर बताइए अगर ऐसा है, किसके किसके साथ ऐसा हुआ वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये एकमात्र सोल्यूशन है पेटीएम और आदित्य बिरला फाइनेंस, ट्विटर ही है उससे यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो कस्टमर केयर से कॉल करते रहेंगे वो नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये बोलते हैं कि 45 से 60 दिन में हम क्लोज करके यहाँ पे आपके सिविल रिपोर्ट से हट जाएगा तो उसके बाद भी आप यहाँ पे देख लेना हुआ है कि नहीं हुआ, और इनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि भाई ऐसा है तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हटा दो अपने सिस्टम से, वैसे तो जल्दी हटाते नहीं है, रिक्वेस्ट करना हटा दो। और फिर भी अगर 30 दिन में नहीं होता है कुछ भी रिस्पांस इनके तरफ से नहीं मिलता है नहीं हटता है तो आप आरबीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं, आरबीआई को मेल करना है, मैं आरबीआई का मेल आईडी जो है दे देता हूँ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, आरबीआई का मेल आईडी आपको दे दे रहा हूँ जो है rdnewdelhi@rbi.org.in पे, इस पे मेल करना है, आपको पूरी प्रॉब्लम बताना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, 30 दिन अगर आपका हो गया कंप्लेन किए उस पर कुछ इशू नहीं होता, मतलब उस पर कुछ सॉल्व नहीं होता, तब जाके आपका ये कंप्लेन एक्सेप्ट करता है आरबीआई, ये चीज़ का ध्यान दे के ही आप यहाँ पे कंप्लेन करना, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कंप्लेन करना, 45 से 60 दिन में अगर रिमूव नहीं होता है तो जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना, आरबीआई को मेल करना, वहाँ से इनको हो सकता है इशू खत्म होकर दिया जाए। तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जो भी इशू है, अगर इससे रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट है कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी यहाँ पे बता सकते हैं, प्लस हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो में डेली अपडेट लाते रहता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।